शूलनी माता शोलन शहर आसपास बसे 21 गांवों की कुलदेवी है। इन 21 गांवों में माता के कल्याणी रहते हैं और राज्य स्तरीय शूलनी मेले के दौरान जब शूलनी देवी की शोभा यात्रा का आरंभ होता है तो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में इनका विशेष योगदान रहता है। विशेष निमंत्रण पर माता शूलनी कल्याणों के घरों में आशीर्वाद देने भी जाती है। कल्याणों पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है, इसके लिए उनकी माता के प्रति विशेष आस्था देखी गई है। आपको बता दें कि शूलनी माता मंदिर का अधिग्रहण आज से 15 वर्ष पहले सरकार ने कर लिया था और मंदिर के पुजारी और कल्याणों को चढ़ावे में से 40% हक उन्हें देने की बात कही थी, लेकिन 15 वर्षों में उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके चलते अब कल्याणी जिला प्रशासन से काफी खफा हैं और उन्होंने अब जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि वे जल्द उनके वायदे को पूरा करें, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। कल्याण समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि मंदिर अधिग्रहण के समय जो वायदा प्रदेश सरकार ने मंदिर के पुजारी और कल्याणों से किया था उसे पूरा नहीं किया गया है। 15 वर्षों से सभी बिना किसी वेतन के मंदिर के पुजारी सभी दायित्वों को निभा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने एक भी पैसा अभी तक जारी नहीं किया है। कल्याणों के लिए और जो पुजारी परिवार है उनके लिए जो है वो पुजारी परिवार ने, कल्याण परिवार ने ये भी पूछा भाई आज जो है वो 15 साल हो चुके हैं, मगर जो हमारे पुजारी परिवार है उनको इसका जो है जो भी पहले कुछ हिस्सा जो है वो दिया जाता है, 40% दिया जाता था, वो पिछले 15 सालों से कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हमारी भी पहले पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी 3-4 सालों से 5 सालों से ये प्रार्थना चली थी एडमिनिस्ट्रेशन से भी भाई इनके बारे में कुछ सोचा जाए और इनका जो पिछला जो भी कुछ परसेंटेज है वो उनको दी जाए, मगर अभी तक जो है वो नहीं मिली, इसलिए ये अल्टीमेटम जो है वो भगवत ने दिया। हमने अर्जी की, 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 1 महीने के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इन बातों पर कोई गौर नहीं करता है तो आप लोगों को ये अधिकार है कि आप लोग 1 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाबियाँ सौंप दें, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मर्जी वैसे करें। तो अब मैं जो है वो कराने की तरफ से ये बात करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, अगर उन्होंने नहीं ऐसा किया तो आगे के जो कॉन्सिक्वेंसीज होंगे उसके लिए सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। ये हमारी सरकार से अर्ज है कि अब हमें अब यहाँ तक आ गई, अब बहुत 15 वर्ष हो चुके हैं इसका अधिग्रहण किए, मगर उसके बाद जो है हमारा पुजारी परिवार जो है उनको आज तक जो कुछ भी नहीं मिला। जितने भी हमारे एम्प्लॉई है अगर 1 तारीख से 2 तारीख तक की डेट जो है वो वेतन के लिए भी हो जाए तो वो भी जो है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही समझो कि जो भगवती की इतनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और सबके बदले भगवती की पूजा करते हैं, उनको 15 साल हो गए और उन्होंने कभी जो है मुंह से कभी इनकार नहीं की भगवती के काम के लिए, तो क्या ये जब अधिग्रहण हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि उनको आज तक ये जो चीज़ जो है वो नहीं मिली। इसलिए कल्याणों की तरफ से और पुजारी परिवार की तरफ से ये सरकार से आग्रह है कि 1 महीने के अंदर अगर कोई फैसला नहीं होता है तो इसके अगले जो कॉन्सिक्वेंसिज होंगे उसके लिए सरकार और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेदार हैं। तो हमारा सबका जितने भी इस गांव के जो जितने भी लोग हैं उनकी सबकी यही इच्छा है कि भाई अब तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ ना कुछ जो है वो हमारे को फैसला लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हमारा पुजारी परिवार का और कल्याणा परिवार का संयुक्त निर्णय है सभी का, क्योंकि आज की बात नहीं है, बात आज नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत समय से चली हुई है। पिछली बार भी मंत्री थे जो यहाँ के हमारे एमएलए थे वो भी थे, पिछली बार भी मैंने ये बात बोली थी, मैंने मंत्री लेवल तक पिछले 3-4 सालों से ये बात की है, मगर जब ये मेला आता है वो तभी इस बात को जो है वो थोड़ा सा संभावना दे देते भाई हम करेंगे इसका कुछ, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये 1 महीने का अल्टीमेटम हमने दे दिया है, अगर कल के लिए कोई ऐसी बात होती है भाई एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा, जो इतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसका जिम्मेदार होगा, हमारी उसमें जो है कोई गलती नहीं है। हमने तो 15 साल दे रखे, हमारे पुजारी परिवार में मुफ्त में सेवा कर रखी है, हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी है जो आज तक इन्होंने इस प्रकार की सेवाएं दी। हालांकि और जगह में इस प्रकार का की सेवा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के मंदिर में आप बता दें कि क्या पुजारी परिवार ने 15 साल तक फ्री में इस तरह से कहीं सेवा की है।